आज भोजवाल महासभा के कार्यकर्ताओं ने अपहृत लड़की की बरामदगी की मांग को लेकर खिरनी बाग रामलीला मैदान पर धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिया गया है। थाना कलान के ग्राम माली निवासी नेक्सू में अपहरण इनका कर लिया गया था, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मामले में पुलिस ने समझौते का दबाव भी बना रही है। भोजवाल महासंघ ने मांग करते हुए कहा है कि थाना प्रभारी गौरव त्यागी और एएसआई को तुरंत हटाया जाए, तीनों आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। ज्ञापन देने वालों ने जिला अध्यक्ष धरना प्रदर्शन पर आप लोग किस लिए बैठे हैं? मैं इसलिए बैठी हूँ धरना प्रदर्शन पे, सारे लोग बैठे हुए हैं, न्याय चाहिए हम लोगों को। क्या न्याय चाहिए? लड़की को उठा के लेके गए घर से, चार लोग लेके गए जिसमें एक गिरफ्तार है, तीन ऐसे घूम रहे हैं और पुलिस दबाव बना रही है। लड़के वाले के घर पर आकर लड़की इनके माँ बाप को घेर रही है और कह रही है झूठे मुकदमे में फंसा देंगे हम, और नहीं तो राजीनामा ले लो। कल भी घेराव करा, रात में भी आई पुलिस, तो ये लोग जैसे तैसे भाग के आ गए यहाँ हमारे पास, और हम भी काफी समय से चक्कर काट रहे हैं न्याय दिलाने के लिए कि भाई न्याय मिले। पर जो ये सोचो हैं कलान गौरव त्यागी, ये सुना रहे हैं बराबर, ये दिलासा दे रहे हैं बस, और कुछ ना कर रहे हैं, ऊपर से धमकी आ रहे हैं सबको। विधायक जी हमारे, हम वहाँ जाके मिले विधायक जी से, हरिप्रकाश वर्मा जी से, उन्होंने तीन बार कहा, उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं। ऐसा क्या इनके पास पावर है जो ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी? किस थाने का है मामला? कलान थाने के है सर। कब तक चलेगा धरना? धरना जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक ऐसे धरना जारी रहेगा, और हम यहाँ नहीं लखनऊ तक धरना देंगे। हम बैठने वाले नहीं हैं, पुलिस प्रशासन को दिखा देंगे कि हम महिला मोर्चे के क्या है, शक्ति क्या नहीं है। महिला शक्ति खुद इतनी शक्तिशाली है कि हम लोग यहाँ से और लखनऊ तक जाने के तैयार हैं। ये सारी महिलाएं मेरी खड़ी हो जाओ, और यहाँ पे महिलाएं खड़े हैं, भाई साहब सब लोग खड़े हैं। हम जस्ट न्याय चाहते हैं, और ये जो ये सोचो हैं गौरव त्यागी को वहाँ से हटाया जाए।